सो हे गाइस, दिस इज़ राघव अरोड़ा और आज लेकर आया हूँ मैं अपनी एक न्यू वीडियो एरिया ऑफ ट्रायंगल पर। तो यार, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो सबने बचपन में सुना ही है, लेकिन ये वाला थोड़ा अलग है। ये है विद डिटरमिनेंट्स। तो चलो देखते हैं क्या होता है। लेट स्टार्ट। तो यार, बचपन में आपने एक एरिया ऑफ ट्रायंगल 9th 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एरिया का। डेल्टा इक्वल्स टू हाफ टाइम्स एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। ये तो सबने पढ़ा ही होगा। तो बस कुछ भी नया नहीं है, बस इसी फॉर्मूला को डिटर्मिनेंट के द्वारा कैसे एक्सप्रेस किया गया है वो देखना है। तो इसी फॉर्मूला को हम डिटर्मिनेंट के थ्रू ऐसे लिखते हैं, हाफ टाइम्स एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन, जहाँ पर एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई थ्री क्या हो जाएंगे आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल। सो गाइज, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा खास नया नहीं है। इसी फॉर्मूला को डिटर्मिनेंट के द्वारा एक्सप्रेस किया गया है। अगर आपको वेरीफाई भी करना हो तो आप चेक कर सकते हैं, अगर हम इसे एक्सपेंड करते हैं सी वन के द्वारा। ओके, अगर हम इसे एक्सपेंड करते हैं वाया सी वन तो फिर क्या होगा, हाफ टाइम्स एक्स वन ये वाला बचेगा, वाई टू माइनस वाई थ्री माइनस एक्स टू वाई वन माइनस वाई थ्री, लेकिन अगर वो अंदर से माइनस बाहर लेंगे तो y3 माइनस y1 बन जाएगा प्लस x3, ये हाइट करेंगे y1 माइनस y2। तो अल्टीमेटली आना तो यही है, लेकिन अब हम 12th में आ गए हैं, थोड़े बड़े बच्चे हो गए हैं अब हम, तो हमें ये वाला फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, ना कि इसको। ओके गाइज, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलो फिर इस पर एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हमें 12th क्लास में अगर क्वेश्चन आता है। सो देखते हैं क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर विच वर्टिसेस आर 2,1 3,1 एंड 2,3। ओके गाइस, सो सिंपली एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स 2,1,1 एक्स वन वाई वन वन 3,1,1 एंड 2,3,1। बस डिटर्मिनेंट के थ्रू एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हुए एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो क्वांटिटी आएगी, अगर ये नेगेटिव आती है आफ्टर सॉल्विंग, तो हमें उसका पॉजिटिव कंसिडर करना है। क्यों? क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फिर मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं, अंदर वाला डिटर्मिनेंट का साइन था लेकिन बाहर वाला मोड है, चाहे मैं पूरे पर मोड लगा सकता हूं। ठीक है गाइस, सो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हाफ टाइम्स टू, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, वन माइनस थ्री माइनस वन थ्री माइनस टू प्लस वन नाइन माइनस टू। ओके गाइस, आई होप आपको समझ आया होगा कैसे मैं ये कर रहा हूँ। हाफ टाइम्स ये हो जाएगा माइनस टू इंटू टू माइनस फोर माइनस वन और ये प्लस सेवन, तो सेवन माइनस फाइव कितना हो जाएगा गाइस, टू। तो ये हो जाएगा टू बाय टू इक्वल्स टू वन, लेकिन जहाँ पे मार्क्स आपके कट सकते हैं वो है स्क्वायर यूनिट्स लिखना भूल जाना। तो इसका ध्यान रखना यार, स्पेशली कि स्क्वायर यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका हाफ मार्क यहाँ पर कट सकता है। दूसरी चीज़, मोड लास्ट तक लगा के रखना, जब तक ये क्वांटिटी पॉजिटिव करके आप आगे लिखना दो। सो दिस विल बी अवर आंसर, कैलकुलेशन मिस्टेक आप चेक कर सकते हैं इफ कोई हुई। ठीक है, सो दिस इज ऑल हाउ वी नीड टू सॉल्व एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर विच थ्री वर्टिसेस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट लाइक दिस। ओके, तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड। ओके, नोट नंबर वन, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, सो
one should consider modulus. Okay guys, our second point kya hoga, if three points are collinear then उनका एरिया क्या होगा. मान लो कोई थ्री पॉइंट्स है, वन टू थ्री, इनसे बनने वाला ट्रायंगल जो कि बनेगा ही नहीं, उसका एरिया क्या होगा, जीरो. ठीक है, इफ थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल्स टू जीरो. और हाफ तो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता. या मैं कहूँ एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन एंड एक्स थ्री वाई थ्री वन विल बी इक्वल्स टू जीरो. ओके, तो एक कोलिनियरिटी की कंडीशन हो गई गाइस. ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आता है कि दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और उन तीन पॉइंट्स में से के वेरिएबल है, तो आप ये कंडीशन लगाकर के की वैल्यू को लिए सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है गाइस, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पर. अभी भाई हमें समझ आ गया कि एरिया कैसे निकालना है. अब मान लो कि वो आपको एक क्वेश्चन देता है कि गिवन एरिया ऑफ ट्राइंगल equals to 3 square units. इसका ध्यान रखना गाइज, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाफ मार्क्स कट सकता है. गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 3 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस एज 2,0, 0,4 एंड k,2. देन फाइंड वैल्यू ऑफ k. अब गाइज मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है उसमें आपको एरिया गिवन हो, अगर भी कभी भी एरिया गिवन होगा तो हमेशा आप फॉर्मूला लगाते हुए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ टाइम्स 201041 एंड k21. जब भी एरिया गिवन होगा तो उसको आप हमेशा ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस 3. हमेशा ध्यान रखना ये क्वेश्चन, इसको मत भूलना. बच्चे भूल जाते हैं यार इस चीज को कि जब भी गिवन एरिया वाला क्वेश्चन होगा वो खुद एरिया देगा और के की वैल्यू या किसी वेरिएबल की वैल्यू पूछेगा. तो आपको ध्यान रखना है कि प्लस माइनस अपने आप कंसीडर करना है. इस चीज को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके मार्क्स बच जाएंगे, नहीं तो टीचर्स यहां पर बच्चों को क्वेश्चन डाल के ये वाला बहुत सारे बच्चों के मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं. ओके, तो अब इसके बाद तो बहुत सिंपल है, आर वन के लॉन्ग एक्सपेंड कर देता हूं मैं. तो ये आप देखना अपने आप, माइनस जीरो टाइम्स खत्म हो जाएगा, प्लस वन जीरो माइनस फोर के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6. सिंपल सॉल्व करा है, डिटर्मिनेंट को सिखा चुका हूँ लास्ट वीडियो में, कर सकते हैं. तो 4 माइनस 4 के इक्वल्स टू प्लस माइनस 6. यहाँ पे आपको अब दो केस कंसीडर करने पड़ेंगे. क्या क्या, व्हेन 4 माइनस 4 के इक्वल्स टू प्लस 6 यानी कि 4 के इक्वल्स टू माइनस 2 तो k हो जाएगा माइनस 1/2. और दूसरा केस व्हेन 4 माइनस 4 के इक्वल्स टू माइनस 6 तो 4 के किसके इक्वल हो गया, 10 के, तो k आ गया आपका 10/4 इक्वल्स टू 5/2. तो यहाँ से आपके के दो आंसर्स आएंगे. कुछ बच्चे ये प्लस माइनस भूल जाते हैं और सिर्फ ये वाला आंसर रिपोर्ट कर देते हैं जिससे उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. सो आई होप गाइस आप इन बातों का ध्यान रखेंगे. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी अब आपसे हो जाएंगे. एनसीईआरटी में बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने वाले क्वेश्चंस हैं, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको कराया. इस तरह का आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आई होप आप कर लेंगे. ठीक है, वेरिएबल निकालने वाला. थर्ड चीज देखते हैं, थर्ड चीज होती है गाइस फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग एरिया. ओके गाइस, थर्ड चीज क्या होती है, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग एरिया फॉर्मूला. ओके, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना होता है. मान लो वो क्वेश्चन दे कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a 2,0 and 0,4. 11th क्लास में सब बच्चों ने एक मेथड तो पढ़ा ही होगा, वो वाला y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स m. तो वो तो स्ट्रेट लाइंस का फंडा हो गया, वो यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे. हम क्या करेंगे, हम करेंगे कंसीडर लेट xy बी अ जनरल पॉइंट ऑन द लाइन. हमने कंसीडर करा कि एक्स वाई एक जनरल पॉइंट है लाइन पर. मान लो ये आपकी लाइन है और उस पर दो पॉइंट गिवन है आपको 2,0, 0,4. अब मैंने अपनी तरफ से एक जनरल पॉइंट
लेट कर लिया x, y. अब आप जानते ही हैं इक्वेशन ऑफ लाइन में x और y जनरल होते हैं, वही मैंने लेट करा. अब देखो इन तीन पॉइंट्स की तरफ, क्या अगर ये लाइन पर हैं तो क्या ये कोलिनियर होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए. तो बस मेरा काम यहाँ पर ही खत्म हो गया. अगर ये कोलिनियर होंगे, दिस इंप्लाइज, मैं क्या कह सकता हूँ, हाफ टाइम्स 201041 and xy1 will be equals to 0. इससे पहले यहाँ पर लाइन लिख देंगे कि सिंस दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड लाइन ऑन अ लाइन, देयरफॉर द एरिया विल बी इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, तो ये इसके बाद बस डायरेक्टली आप सॉल्व करेंगे तो मैं किसके अबाउट करूँ एक्सपेंड, चलो आर वन के अबाउट कर देता हूँ. ठीक है, 4 - y - 0 + 1 - 0 - 4x. ठीक है, तो 8 - 2y - 4x = 0. तो ये हो जाएगा आपका 2x + y = 4, जो कि हमारी होगी इक्वेशन ऑफ लाइन. सो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा. सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट एरिया ऑफ ट्रायंगल. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो यार तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बता देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना. मिलते हैं गाइज कुछ अच्छी वीडियोज़ में आगे आगे. अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें. सी या गाइज देन, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर.